सो ये गाइस वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज इस वीडियो में बात करने वाले MI A3 के प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने MI A3 का गेमिंग रिव्यू नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई कार्ड्स में गेमिंग रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसका गेमिंग रिव्यू देखना है तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख कर रखे हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को विजिट करो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक किसी का हौसला बढ़ा सकता है। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें MI A3 के प्राइस के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा MI A3 दो वेरिएंट में अवेलेबल है। 4GB प्लस 64GB वाला मॉडल आपको यहाँ पर 13,000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अगर बात करूँ 6GB प्लस 128GB वाला तो उसकी कीमत आपको 16,000 रुपये पड़ेगी। वहीं अगर आप ऑफलाइन मार्केट्स में जाते हो तो हो सकता है आपको कुछ और डिस्काउंट देखने को मिल जाए। दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन के मोस्ट हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि है इसका लुक्स और डिज़ाइन। यहाँ पर इस स्मार्टफोन का लुक्स और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर आप इसे एक बार अपने हाथ में होल्ड करोगे तो आपको नहीं लगने वाला है कि यहाँ पर आप बजट स्मार्टफोन होल्ड कर रहे हो। यहाँ पर आपको बैक साइड में ग्लास बॉडी देखने को मिलता है और ग्लास बॉडी पर यहाँ पर होलोग्राफिक बैक फिनिश देखने को मिलता है। अब होलोग्राफिक बैक फिनिश क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। होलोग्राफिक बैक फिनिश यहाँ पर जब भी इस पर लाइट पड़ेगी तो ये थोड़ा सा रेनबो इफेक्ट देगा अब बैक साइड में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे देता है। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी इट और नॉट, बट यहाँ पर देख लो इस तरह का देखने को आपको मिलता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो बिल्ड क्वालिटी इस डिवाइस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्राइस सेगमेंट में एक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पैक्ट फ़ोन है। आप इसे आसानी से एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मुझे इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर बात करें डिवाइस के ओवरव्यू के बारे में तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर 6 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप बेजल्स देख सकते हो। मुझे मेरे हिसाब से नीचे से थोड़ा सा बेजल्स ज़्यादा है, कम होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन यहाँ पर अभी भी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं अगर बात करें डिस्प्ले की तो 6 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले AMOLED पैनल के साथ आता है, तो यहाँ पर आप कलर्स देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा विविड है और यहाँ पर जो ब्लैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। वहीं अगर बात करूँ नीचे साइड की तो नीचे में यहाँ पर आपको स्पीकर वेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें दूसरे पोर्ट की तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा और ये 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये डिवाइस। हालांकि बॉक्स में यहाँ पर हमें नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप 18 वोल्ट का चार्जर खरीद सकते हो MI.com पर। वहीं दोस्तों अगर बात करूँ दूसरे वेंट की तो यहाँ पर जो दूसरा वेंट है वो है माइक्रोफोन का वेंट। अगर बात करूँ ऊपर साइड की तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा और सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये जो बेजल्स है, अल्मीनियम बेजल है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। अब यहाँ पर मैं आपको इसका सिम ट्रे निकाल कर दिखा देता हूँ। वैसे तो यहाँ पर इसमें आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको इसका ट्रे निकाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिम लगा कर रखा आइडिया का, और यहाँ पर इसे वापस डाल देता हूँ। तो ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, आप अगर आपको कार्ड लगाना है तो आप कार्ड भी लगा सकते हो या फिर आप दो सिम लगा सकते हो एक समय पर। यहाँ पर अगर बात करें और भी चीज़ों के बारे में तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलेगा, पावर बटन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फिनिश है ना अल्मीनियम का वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, और यहाँ पर डिवाइस आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देता है। वहीं दोस्तों अगर बात करूं बैक साइड की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फर्स्ट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है। अगर बात करें दूसरे कैमरा के बारे में तो दूसरा कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का AI कैमरा है और जो तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। यहाँ पर आपको फ्लैश देखने को मिलता है, शाओमी की ब्रांडिंग करेगी और एंड्रॉइड 1 की ब्रांडिंग करेगी। दोस्तों अगर आपको MI A3 के स्पेसिफिकेशंस में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हो। दोस्तों वहीं अगर बात करें MI A3 के रैम मैनेजमेंट के बारे में तो यहाँ पर ये डिवाइस काफ़ी अच्छे तरीके से रैम मैनेजमेंट करता है और यहाँ पर आपको कोई भी लैग्स देखने को नहीं मिलते हैं स्मार्टफोन में। वहीं दोस्तों स्टोरेज के लिए इस डिवाइस में आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्टोरेज का इस्तेमाल करा गया है, UFS 2.1, जो कि इस प्राइस सेगमेंट पर किसी और दूसरे स्मार्टफोन्स में हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर इससे इस डिवाइस का जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
अगर बात करें स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इवन हेडफोन से भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिलता है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इस डिवाइस की सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डिवाइस में काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों को प्योर एंड्रॉयड वर्जन पसंद है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर जो प्योर एंड्रॉयड वर्जन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन दूसरे एंड्रॉयड वर्जन से जो कि कस्टमाइज्ड होते हैं, जैसे कि MIUI हो गया, EMUI हो गया, उनसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। और यहाँ पर आपको एक और छोटा डीमेरिट भी है इसका, जो कि मैं कौन सेक्शन में बताऊँगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि MI सीरीज़ हमेशा से अपने कैमरा सेगमेंट में बेस्ट रही है, और MI A3 ने इस लेगेसी को कंटिन्यू रखा है, और ये वन द बेस्ट स्मार्टफोन है, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, जो कि आप 15,000 रुपीज़ में खरीद सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छे शॉट्स आ जाते हैं स्मार्टफोन से। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स ले लेता है। यहाँ पर मैंने कुछ शॉट्स इंक्लूड कर दिए हैं, साथ साथ कुछ वीडियो सैम्पल्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आप ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को जज कर पाओ। और कुछ शॉर्ट्स मैंने वीडियो के एंड में भी डाल दिए हैं, तो उनको भी ज़रूर चेकआउट करना। साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स ले लेता है। और साथ साथ इस स्मार्टफोन का जो वाइड बैलेंस है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें मेन कैमरा की, तो मेन कैमरा में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे शॉट्स ले लेता है। वहीं अगर बात करें तीसरे कैमरा की, जो कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट मोड्स में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स ले लेता है ये स्मार्टफोन। यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल्स आप जज कर सकते हो, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो के एंड में भी कुछ सैंपल्स ऐड कर दूंगा, साथ साथ वीडियो सैंपल्स भी ऐड कर दूंगा। दोस्तों, अगर बात करें MI A3 की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4030 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, और लगभग 1 से 1.5 दिन ये स्मार्टफोन चल जाता है, ऑल थैंक्स टू 720p डिस्प्ले, जिसके वजह से प्रोसेसर को ज़्यादा पिक्सल्स पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर हमें बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। साथ साथ ये जो फ़ोन है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगता है, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, MI A3 में हमें फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बॉक्स में कोई भी फास्ट चार्जर इंक्लूड नहीं करा गया है। यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर लेने के लिए MI.com से ख़रीदना पड़ेगा, और उसकी कीमत आपको 500 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्मार्टफोन 2 घंटे में चार्ज हो जाता है फास्ट चार्जर से, और यहाँ पर जो नॉर्मल चार्जर बॉक्स में इंक्लूड करा गया है, उससे 2.5 से 3 घंटे के आसपास लग जाते हैं इस डिवाइस को चार्ज होने में। तो दोस्तों, ये थे कुछ MI A3 के प्रोज। अब बात करते हैं MI A3 के कॉन्स। सबसे पहले कॉन के बारे में अगर बात करें, जो कि है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा और फास्ट हो सकता था। यहाँ पर लगभग 1 सेकेंड लग जाता है इसे खुलने में। तो यहाँ पर ये जो इशू है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट से भी सॉल्व हो सकता है, तो ये थोड़ा सा माइनर इशू है, तो इसको इग्नोर भी किया जाता सकता है। अच्छा होता। वहीं अगर बात करूँ दूसरे इशू के बारे में, तो यहाँ पर जहाँ दूसरी कंपनी अब डेडिकेटेड स्लॉट पर फोकस कर रही है, वहीं Xiaomi अभी भी हाइब्रिड सिम स्लॉट पर अटकी हुई है। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में डेडिकेटेड स्लॉट होता है, तो ये एक वन ऑफ मोस्ट कंप्लीट स्मार्टफोन होता इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों, अगर बात करें इस डिवाइस के तीसरे इशू के बारे में, जो कि है इसका प्रोसेसर। दोस्तों, स्नैपड्रैगन 665 एक अपग्रेडेड वर्जन है स्नैपड्रैगन 660 का, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नया प्रोसेसर है, जिसके वजह से ये अभी तक गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। यहाँ पर मैंने गेमिंग रिव्यू में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है कि क्यों ये प्रोसेसर अभी तक गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हो। यहाँ पर हमें गेमिंग में काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, तो एक इशू है। तो यहाँ पर अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो अभी के लिए ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है, मतलब कि अभी के लिए ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं है। जब तक हमें अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे और ये इशू सॉल्व नहीं होगा, तब तक मैं आपको ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अब दोस्तों, अगर बात करें इस डिवाइस के फोर्थ कॉन के बारे में, जो कि है इसका डिस्प्ले। दोस्तों, इस डिवाइस में हमें 720p वाला HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर Xiaomi फुल HD वाला IPS पैनल भी देती, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस और हार्डवेयर के साथ आता है। अगर बात करूँ फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि मैंने पहले बताया था कि हमें इसमें Android 1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमें कोई भी कस्टम UI देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कस्टम UI में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप
डुअल ऐप्स यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर और भी एड ऑन्स देखने को मिलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा सा इशू लगता है, इसीलिए मुझे कस्टम यूआई ज़्यादा पसंद है। हालांकि जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है यहाँ पर इन कंपैरिजन MI UI या फिर कोई भी और UI से। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि आपके फ़ोन में तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है और आपको स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन पर मुझे माइनर स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सारे स्क्रैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो आप मेक श्योर कर ले कि आप अपने स्मार्टफोन पर टेम्पर्ड ग्लास लगवा लें। आप में से कई लोगों को पता है कि एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन्स वो स्मार्टफोन्स होते हैं जिनमें हमें प्योर फॉर्म ऑफ एंड्रॉइड देखने को मिलता है। साथ साथ इन स्मार्टफोन्स को सबसे पहले एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं और इन स्मार्टफोन्स में कोई भी ब्लोटवेयर जैसी चीज़ नहीं होती है। वहीं अगर बात करें कॉल क्वालिटी की, तो मुझे इस स्मार्टफोन का कॉल क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू MI A3 का, और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे प्रोज और कॉन्स बता दिए जो कि मुझे इस डिवाइस में मैंने फेस करा इतने दिनों में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर पॉपअप भी हो रहा होगा, तो प्लीज़ मुझे जाकर फॉलो करो। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करता हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनको MI A3 लेना है, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यहां पर आपको शॉर्ट्स एंजॉय करो। अब सो गाइज, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम द फ्रंट कैमरा ऑफ MI A3। तो यहाँ पर आप वीडियो और ऑडियो रिजल्ट्स देख सकते हो और जज कर सकते हो कि कैसी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलो आगे वीडियो में बात करते हैं। सो गाइज, दिस वीडियो इज़ बिंग रिकॉर्डेड फ्रॉम MI A3 रेयर कैमरा, और यहाँ पर जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी MI A3 के माइक्रोफोन से कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने स्टेबलाइजेशन को भी एनेबल रखा है। तो यहाँ पर आप इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी और यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी जज कर सकते हो कि कैसी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको मिलती है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी इसकी क्वालिटी। सो गाइज, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एट 4K एट 30 FPS, और यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी जज कर सकते हो और ऑडियो क्वालिटी जज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कैसी लगती है वीडियो और ऑडियो क्वालिटी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।